नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम एक महाठग की, वैसा ठग जो कि बहुत सारे लोगों को चूना लगाया, और सबसे बड़ी बात, जेल में रहते हुए इसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की। और अब बताएं कि अभी दिल्ली के रोहिणी जेल में ये बंद था, और 82 अफसरों और कर्मचारियों पर, जेल से संबंधित जो हैं उन पर FIR दर्ज हुआ है इसे ठगी में मदद करने के आरोप में। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो महाठग है, और इस पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि देश के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित जेल जो कहा जाता है, तिहाड़ जेल में रहते हुए इसने 200 करोड़ रुपए की महाठगी की थी। आपको बता दें कि ताज़ा मामला जो है इसके रोहिणी जेल में रहते हुए घटा है, जिसमें आरोप लगा है कि इसे ठगी करने में 82 जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन्होंने मदद किया है, और बतौर रिश्वत 1.5 करोड़ रुपए इन्हें प्राप्त हुए हैं। पूरी खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर इसका नाम है, इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा जानकारी सामने आया है। दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने रोहिणी जेल के 82 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जेल स्टाफ पर आरोप है कि ये लोग सुकेश चंद्रशेखर से करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह रिश्वत के तौर पर लेते थे। आरोप है कि सुकेश अलग से बैरक उपलब्ध कराने और जेल में मोबाइल फोन यूज करने समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर ये रकम अफसरों को देता था। इस मामले में 15 जून को FIR भी हुई थी। बता दें, फोर्टीज हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कुछ अमीर लोगों को ठगने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर रोहिणी जेल में जो बैरक नंबर है 10 के, आपको बता दें रोहिणी जेल नंबर 10 के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 में बंद है। इसी दौरान उसे किसी न किसी तरीके से मदद देने के आरोप में 7 जेल कर्मियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में रह के 200 करोड़ रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था। सुकेश ने जेल से ही गृह मंत्रालय का अफसर बन के ठगी की थी। उसने आवाज़ बदलकर लोगों को झांसे में लिया था। आरोप है कि सुकेश ने जेल अधिकारियों को लाखों रुपए की रिश्वत देकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। जाँच के बाद कई जेल अधिकारी गिरफ्तार भी हुए थे। आपको बता दें कि हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर को जेल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए पकड़ा गया। सुकेश जेल के बाहर मैसेज भिजवाते CCTV कैमरे में कैद हुआ। आरोपी तिहाड़ जेल के नर्सिंग स्टाफ को एक लेटर देकर बाहर भेज रहा था। जेल प्रशासन का कहना है कि सुकेश अपने मैसेज को इधर से उधर करवाता था। मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को आरोपी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। तो ये मामला जो है वो CCTV फुटेज चेक करने के बाद सामने आया, जहां पर ये देखा गया कि वो एक लेटर नर्सिंग स्टाफ को दे रहा है। आपको बता दें कि 82 अधिकारियों और कर्मचारियों पर FIR किया गया है इस महाठग के ठगी में मदद करने के आरोप में। आपको बता दें कि देश का सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा जेल माना जाता है तिहाड़ जेल, वहाँ से रह के इसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी, और गृह मंत्रालय का अधिकारी खुद को बताता था और आवाज़ बदल बदल के फ़ोन किया करता था। ऐसे में प्रश्न उठा कि आखिर इसके पास मोबाइल कहाँ आया, तो पता चला जांच में कि लाखों रुपए खर्च किए इसने जेल स्टाफ को दिए ताकि मोबाइल मिल सके। और रोहिणी जेल में भी ये 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को दिया करता था ताकि अपने ठगी के काम को ये कर सके। तो देश का सबसे बड़ा महाठग के रूप में इसकी गिनती होती है सुकेश चंद्रशेखर, और इसके कारण और इसको मदद पहुंचाने के आरोप में 82 अफसरों और कर्मचारियों पर FIR दर्ज हुआ है। 7 बता दें आपको पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल में हैं, जेल के ही अधिकारी कर्मचारी। तो काफ़ी आश्चर्यजनक है कि आखिर देश के जेलों में क्या चलता है। दिल्ली के जेल काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं, और वहाँ भी भ्रष्टाचार का खेल चलता है, जहाँ पर अपराधियों को सहायता प्रदान की जाती है रिश्वत के एवज में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।